EWS/DG और CWSN कैटेगरी में नर्सरी KG और क्लास 1 में एडमिशन्स के लिए दिल्ली में जो ड्रॉ निकला है, लिस्ट निकली है, उसकी क्या सेकेंड लिस्ट भी निकलने वाली है? पहली लिस्ट निकल चुकी है जैसे आपको पता है, तो सेकेंड लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी या कब तक निकल सकती है, और आपके बच्चों का नाम अगर लिस्ट में नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोईज वर्ल्ड, होप यू आर फाइन। सो EWS/DG कैटेगरी के जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है दिल्ली में, तो उसके लिए सभी पेरेंट्स को जिन्होंने फॉर्म भरा था, इंतजार था कि फर्स्ट लिस्ट आएगी और बच्चों का नाम निकलेगा। तो फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, रिजल्ट्स भी आप सबने देख लिया होगा। कई बच्चों का नाम आया है, जिनका नाम आया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। आपका जो एडमिशन प्रोसेस है स्कूल्स में वो अच्छी तरह से हो जाए। मैंने गाइडलाइंस पर भी वीडियो बनाया है कि आपका लिस्ट में नाम आने के बाद आपको क्या करना है, किस तरह से स्कूल जाना है, कब तक जा सकते हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने शेयर की है। वो वीडियो आप ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है। और जिनका नाम नहीं आया है, जिन पेरेंट्स के बच्चों का, तो वो हताश ना हो, निराश ना हो। हम बस कोशिश कर सकते हैं, हमने फॉर्म भरा, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, बट ये जो है लकी ड्रॉ टाइप का होता है, कंप्यूटराइज ड्रॉ निकलता है। इसमें जितनी सीट्स होती हैं उससे कई ज़्यादा फॉर्म्स आते हैं, तो सबका नाम आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके बच्चों का अगर नाम नहीं आया है तो अपसेट बिल्कुल ना हो। सेकेंड लिस्ट के रिगार्डिंग देखिए, नोटिफिकेशन एज सच DOE की तरफ से कोई नहीं आया कि सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी या कब तक आएगी, मगर जहां तक मेरा अनुमान है, जैसे कि लिखा था कि ड्रॉ, ये फर्स्ट ड्रॉ है, फर्स्ट लिस्ट है, तो फर्स्ट लिस्ट है, इसका मतलब है कि सेकेंड थर्ड लिस्ट भी आ सकती है और आती है। अगर हम पिछले सालों को देखें तो दूसरी लिस्ट भी निकली है। क्यों निकलती है दूसरी लिस्ट? देखिए, ड्रॉ तो पूरे ही जितने फॉर्म्स भरे गए हैं उस पर ही हुआ है, कंप्यूटराइज ड्रॉ, मगर कई बार जिनका ड्रॉ निकलता है, जिनका नाम आ जाता है, उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होने की वजह से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, डुप्लीकेट हो, कुछ फर्जी निकल जाते हैं, डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं, कई बच्चे पेरेंट्स पहुंच नहीं पाते हैं टाइम पर, एडमिशन नहीं करवाते हैं, या जो भी रीज़न होता है एडमिशन नहीं करवाते हैं। तो अपने नाम निकले थे ड्रॉ में, उतनी सीट्स फिल नहीं हो पाती हैं स्कूल्स में। सारे स्कूल्स को सिस्टमैटिक वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बच्चों का नाम हर स्कूल में लिस्ट होती है, मगर उतनी सीट्स नहीं भरी होती हैं, तो क्या होता है वो सीट्स बच जाती हैं, बट सारी सीट्स पर बच्चों का एडमिशन होना होता है। तो फिर जो है DOE एक और ड्रॉ निकालता है, लिस्ट निकालता है, जो बची हुई सीट्स पर होता है वो ड्रॉ। तो जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी उतनी सीट्स के लिए ड्रॉ निकलेगा, जो ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया, यानी कि आपको फिर से एप्लीकेशन देना है, जो आपने अप्लाई किया है। जिन बच्चों का नाम नहीं आया है उनको लेकर के, उन नामों को लेकर के लिस्ट निकलती है, जितनी अवेलेबल सीट्स हैं। तो सेकेंड लिस्ट निकल सकती है। अब ये है कि कब निकलेगी, तो देखिए जैसे आपको पता है 30 मई लास्ट डेट है एडमिशन प्रोसेस की, मतलब स्कूल में जाकर डॉक्यूमेंट्स दिखाकर एडमिशन लेने की 30 मई लास्ट डेट है। तो जब तक ये फर्स्ट लिस्ट का प्रोसेस चलेगा, जब तक ये फर्स्ट लिस्ट का प्रोसेस चल रहा है, चलता है, जब तक सेकेंड लिस्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट का जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस, ये कंप्लीट होगा तभी ये मालूम होगा कि कितनी सीट्स पर अभी वेकेंट है, अवेलेबल है, कितनी सीट्स अभी भरी नहीं है। तो उन बची हुई सीट्स पर होगा जो है सेकेंड लिस्ट का ड्रॉ। तो जब 30 मई के बाद सारा एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट का, उसके बाद ही सेकेंड लिस्ट निकलने की संभावना है, जो कि जून में निकल सकती है। तो जून में ही निकलेगी, उससे पहले निकल नहीं सकती है लिस्ट, तो आपको जून तक वेट करना होगा अगर आप सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे होगा कई पेरेंट्स के मन में कि पता नहीं सेकेंड लिस्ट में भी बच्चों का नाम आएगा या नहीं, जून तक हमें वेट करना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही है, क्योंकि अप्रैल से ही जो है सेशन शुरू हो जाते हैं। इस केस में आपका देखिए अपना डिसीजन है, आपने ऑल्टरनेट सोच के रखा होगा कि अगर लिस्ट में नाम नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए, कोई दूसरे स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन करवा दें, क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए बच्चों की, और आपके बच्चे की अगर एज एलिजिबिलिटी है नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप नेक्स्ट ईयर भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप DG कैटेगरी से हैं तो नर्सरी KG और क्लास 1 तक एडमिशन हो सकता है। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो क्लास 9 तक भी एडमिशन होता है, सेकेंड टू 9th EWS फ्रीशिप का एडमिशन होता है। तो जब तक आप वेट कर सकते हैं, बट बच्चों की पढ़ाई सफ़र ना हो तो अपने हिसाब से, अपने बजट का कोई स्कूल देखकर उनका एडमिशन वहाँ करवा दें, ताकि उनका जो है पढ़ाई का प्रोसेस ना रुके और उनका पढ़ाई का नुकसान ना हो। बिकॉज हम वेट कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर नहीं आता है लिस्ट में नाम तो भी पढ़ाई सफ़र नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आप जो वेट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट ना हो, बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो। लिस्ट में नाम नहीं भी आया है तो होपफुली नेक्स्ट ईयर ट्राई करें। बहुत से कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत निराशा होती है, बहुत दुख होता है जिनके बच्चों का नाम नहीं आया है। बट हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना आपके ना मेरे ना DOE के हाथ में भी हम एक तरह से कह सकते हैं कुछ नहीं है। कंप्यूटराइज ड्रॉ निकलता है। सो हम होप कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। बट मेरी यही उम्मीद है, ये आशा है कि सभी बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से हो। तो यही था आज का वीडियो, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।